हेलो दोस्तों, मिथी कुक में आपका स्वागत है। और आज मैं अपनी मिथी कुक की पौराणिक रसोई से शबरी के पूर्व जन्म की कथा लेकर आई हूँ और उनको राम जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयड में आप लोगों ने शबरी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि शबरी कौन थी जिसके पास भगवान श्री राम ने स्वयं चलकर उन्हें दर्शन दिए? क्या आप लोगों को पता है कि शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? शायद इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए आप मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, शबर जाति भील जाति की ही जाति होती है और शबरी एक भील कन्या थी जिसको शबरी भी कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार शबरी अपने घर से भाग निकली और ऋषि मुनियों की सेवा करने के बाद भगवान श्री राम का जंगल में क्यों इंतजार करती रही और किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए और शबरी का उद्धार किया, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि शबरी ने अपने पिता के एक वचन पर ही अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया था। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं भील जाति के एक कबीले में जिसके राजा और मुखिया अज थे, राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शमणा था। शमणा शबरी का ही दूसरा नाम था और शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी। बचपन में शबरी पक्षियों से अलौकिक बातें भी किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ बातें राजा अज और इंदुमती की समझ से परे थी। एक दिन शबरी के माता पिता ने एक ब्राह्मण से पूछा कि मेरी पुत्री वैराग्य की बातें करती है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप इसका विवाह करवा दीजिए। उसके बाद राजा अज और इंदुमती ने शबरी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। फिर उन्होंने एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। इसके बाद एक दिन जब माँ इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी, तब शबरी ने पूछा, माँ हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती ने कहा कि ये सारे पशु पक्षी तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। यह बात सुनकर शमणा परेशान हो गई और अपनी माँ से बोली कि ये बात ठीक नहीं है, मैं अपने विवाह के लिए इतने सारे पशु पक्षियों का बलिदान नहीं देने दूंगी और अगर मेरे विवाह में इतने पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और फिर उसी रात शमणा ने सारे पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब शमणा बाड़े का दरवाजा खोल रही थी, तब उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शमणा डर गई और वह वहाँ से भाग गई। भागते भागते शमणा ऋषिमुख पर्वत पर पहुँची जहाँ पर बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। शबरी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वह निचली जाति की है और कोई भी उसे अपने आश्रम में स्थान नहीं देगा। इसके बावजूद छुपते हुए शबरी कुछ दिनों तक वहाँ पर रहने लगी। वह प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम की सफाई और उसके बाहर आने वाले पत्तों की सफाई कर दिया करती थी और ऋषियों के हवन के लिए सूखी लकड़ी का बंदोबस्त भी कर देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके नित्य के सारे काम निपटा रहा है, ये कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर अगले दिन जब जल्दी सवेरे ऋषियों ने शबरी को देखा तो सब ऋषियों ने मिलकर शबरी को पकड़ लिया और शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। शबरी को नीच जाति का बताकर ऋषि उसको डांटने और गुस्सा करने भी लगे। तभी उन ऋषियों में से एक ऋषि जिनका नाम मतंग ऋषि था, उन्होंने शबरी को बाकी ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर एक कुटिया में शरण दी। और फिर समय बीतता चला गया। कुछ समय बाद मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और उन्होंने घोषणा की कि मैं अपनी ये देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ छोड़कर आई और आप भी आज यहाँ से जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी अब तुम्हारा ख्याल भगवान श्री राम ही रखेंगे। तब शबरी सरलता से कहती है कि भगवान राम कौन है और मैं उनको कहाँ ढूंढूंगी? तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं यहाँ पर चलकर तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। शबरी ने इस बात को पकड़ लिया कि भगवान राम आएंगे। वह रोज कुटिया के बाहर फूल बिछा के रखती और भगवान राम का इंतजार करती। इसी प्रकार इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक भगवान श्री राम नहीं आए। फिर एक दिन वह घड़ी आ ही गई जब शबरी के इंतजार का सब्र खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखा था और आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि
इस रास्ते पर मत चलो, इस रास्ते पर मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। शबरी श्री राम के लिए रोज बेर तोड़कर लाती थी, यह निश्चित करने के लिए कि बेर खट्टे हैं या मीठे। शबरी बेर चक चक के रख देती। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में ही भगवान श्री राम को पहचान लिया और भगवान श्री राम का खूब आदर सत्कार भी किया और भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी का सब्र खत्म हुआ था और उनको भगवान श्री राम मिले थे। तो अब आपको पता चलेगा कि शबरी पूर्व जन्म में कौन थी। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी और नाम था बरमिसी। एक बार कुंभ के मेले में राजा और रानी दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी को एक दिन अपनी खिड़की से मुनियों का समूह दिखाया गया जो कि मंत्र उच्चारण कर रहे थे और साथ साथ हवन भी कर रहे थे। यह देखकर रानी बरमिसी का मन भी उनके साथ बैठने का करने लगा और उसने जाकर राजा से बोला कि मेरा भी ऋषि मुनियों के साथ बैठने का मन कर रहा है। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप रानी हैं और यह आपको शोभा नहीं देता है। उसके बाद दुखी होकर रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी और रात को रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी घाट पर गई और वहां पर जाकर गंगा माता से याचना करने लगी कि माँ, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे सुंदर और रानी मत बनाना, मुझे उच्च कुल घराने में जन्म भी मत देना। माता, मैं आप में ही समाना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी अपनी देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और ना ही कोई राजघराने की रानी थी। दोस्तों, यह थी शबरी की कहानी जो कि हमें सिखाती है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राम भी लिखें।